हमारे देश में कई त्योहार मनाए जाते हैं और सभी त्योहार पर सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी जाती है, जिसकी वजह से पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी होली, दीपावली, दशहरा जैसे सभी त्योहार पर अपना कर्तव्य निभाते हैं और त्योहार का आनंद नहीं उठा पाते। लेकिन एक त्योहार ऐसा भी है जिसे देश के लगभग सभी थानों में जरूर मनाया जाता है। इस त्योहार के लिए पुलिस विभाग में महीनों से तैयारियां होती हैं, विशेष तौर पर मंदिर बनाए जाते हैं, यहां तक कि प्रसाद के लिए प्रत्येक पुलिस के जवान अपनी जेब से खर्च करने से गुरेज नहीं करते हैं। आप भी जानना चाहेंगे कौन सा है त्योहार जिसे पुलिस विभाग को मनाने से खुद सीएम तक नहीं मना करते हैं और पुलिस थाने में ही भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, आइए जानते हैं। जन्माष्टमी एक ऐसा त्योहार है जो उत्तर भारत या खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लगभग हर पुलिस थानों और ऑफिसों में मनाया जाता है। इसके पीछे तर्क भी दिया जाता है। दरअसल हिंदू मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में जब कंस को भविष्यवाणी हुई कि उसकी बहन यानी देवकी और वासुदेव का पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, तो कंस ने उन्हें कारागार यानी जेल में डाल दिया। इसके बाद देवकी और वासुदेव के जितने भी बच्चे हुए कंस ने सभी का वध कर दिया। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो ऐसा चमत्कार हुआ कि जेल के सभी ताले टूट गए, दरवाजा अपने आप खुल गए। इतना ही नहीं, जितने भी संतरी या सिपाही द्वारपाल पहरे पर लगे थे सभी गहरी नींद में सो गए, जिसकी वजह से बालक कृष्ण का जन्म होते ही उनके पिता वासुदेव उन्हें लेकर आसानी से वृंदावन पहुँच गए और नंद बाबा और यशोदा को सौंप दिया और कंस को इसकी भनक तक नहीं लगी। ऐसे में द्वापर युग में जिस तरह कारागार था उसी तरह अब पुलिस की जेल है जो पहरेदारी करते हैं। और जन्माष्टमी मनाकर सभी पुलिस वाले भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि उनके साथ इस तरह की कोई घटना घटित न हो। श्री कृष्ण के इस माया की वजह से ही पुलिस थानों में हर साल जन्माष्टमी या कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, देखते रहिए PBNS।